आज हम सी एच एस एल में आए हुए वॉइस के क्वेश्चन करने वाले हैं वॉइस के क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा दूंगी मैं आपको में लिखी है फॉर एग्जाम्पल वर्ब फर्स्ट एस या एस है, तो पैसिव में क्या बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड ये एक टेबल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाएंगे सेकंड्स में सॉल्व होंगे और विद एक्यूरेसी ठीक है ये ग्यारह ये जो टेंस है इनके कॉन्सेप्ट मैंने लिखे जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर सिंपल है विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट होता है आप सभी जानते हैं इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो विल शैल बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट है तो क्या होगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा पास कॉन्टीन्यूस में क्या होता है वर्ज वर्ब प्लस वर्ब आई एन जी तो पैसिव में क्या होगा वर्ज वर्ब बींग प्लस वर्ब थर्ड क्लियर तो आप कॉपी पेन अपना लेकर बैठें और इसको नोट कर लें और देखें किस तरह कितने फास्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग 40 कॉन्सेप्ट्स मैंने बनाए हैं और इन कॉन्सेप्ट की ये जो पीडीएफ है बहुत डिटेल से पीडीएफ मैंने डिजाइन की है यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स uh, भी दिए हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हैज है तो passive क्या होगी ठीक है तो ये चालीस कॉन्सेप्ट है जिनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है ये चालीस के चालीस कॉन्सेप्ट आपको न्योन क्लासेस पे ऐप पे फ्री मिलेंगे ठीक है ये पीडीएफ आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें ठीक है ये बहुत मेहनत से बनाई हुई पीडीएफ है इंटारोगेटिव इंपेरेटिव सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डिटेल से दिए हैं और ये चालीस कॉन्सेप्ट बन रहे हैं स्टूडेंट्स क्लियर स्टार्ट करते हैं हाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वन वर्ड की ठीक है वन वर्ड की सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ये देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वन वर्ड और ये स्पॉटिंग एरर ये तीनों टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूं अगर आप में से किसी ने इनको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और देख लिया है तो अपने दोस्तों में शेयर करना क्योंकि आपने देखने के बाद ये महसूस किया होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है कितने मेहनत से कंटेंट डिजाइन किया है तो लाइक शेयर करना बनता है और कॉमेंट में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है जो भी आप फील करते हैं बिल्कुल बिंदास कॉमेंट कीजिए क्लियर स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है सेंटेंस अगर एक्टिव में दिया होगा तो उसे पैसिव में चेंज करना है पैसिव में गिवन होगा तो उसे एक्टिव में चेंज करना है क्लियर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल तो यहां देखो हैव वुवेन कौन सा टेंस है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड

डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जंबल में एलिमिनेशन से बेटर कोई मेथड नहीं है सबसे पहले गलत को हटा दो ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट ही रहेगा सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगी एक्टिव है फॉर्म चेंज तो हो रही है has, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सब्जेक्ट प्रिज़नर था ऑब्जेक्ट क्या थे कारपेट थे तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं जबकि फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ है सो राइट आंसर क्या होगा सी क्लियर जो प्रिजनर्स थे उनके द्वारा कारपेट वोवन किए गए थे तो दिस फ्लड विक्टिम्स रेस्क्यू मतलब किसी को हार्मुल कंडीशन से बचाना यहां पर यह टेंस कौन सा है स्टूडेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस हो गया पास सिंपल पास सिंपल की एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वर्ब सेकेंड पैसिव क्या बनेगी वाज वर प्लस वर्फ थर्ड फटाफट वर प्लस वर्ब थर्ड कौन से ऑप्शन में है वही आपका आंसर है यहाँ आर है ये नहीं हो सकता यहाँ पर आर है ये नहीं हो सकता यहाँ पर हैव है ये भी नहीं हो सकता ओनली वन ऑप्शन इज देर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पास्ट है वाज़ वर वर्थ, वर प्लस वर्ब थर्ड है एक ही ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है इस तरह से सोल्व करेंगे तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच जाएगा क्योंकि आप देखते हैं कि जो आ, मेंस में 20 क्वेश्चन के आते हैं तो वहां पर आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है आप कॉम्पिटेंशन को टाइम दे पाते हैं अवतार बैच के लिए मैं बोलूं तो जो स्टूडेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं उनको अवतार बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड द सेंट्रल टीम विजिटेड एट विलेजेस इन द स्टेट टू एसेस द डैमेज टू द क्रॉप यहां देखो वर्ब की फॉर्म है विजिटेड अभी अभी मैंने कराया वर्ब सेकंड कौन सा टेंस होता है पास सिंपल पास सिंपल किस में चेंज होगा पास सिंपल क्या है वर्ब सेकंड किस में चेंज होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड लो फटाफट वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड कौन से ऑप्शन में है यहां पर हैड आया है ये नहीं हो सकता यहां पर ऐसे विजिटेड है ही नहीं यहां यह भी नहीं हो सकता अब देखो दो ऑप्शन है बी और डी जिनमें क्या है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है लेकिन यहां पर एस एस को थर्ड फॉर्म में चेंज किया है जबकि मेन वर्ब क्या है विजिटेड है सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी एट विलेजेस इन द स्टेट्स स्टेट वर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कौन था सेंट्रल टीम था इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किससे लेंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ अ ट्रैफिक पुलिस मैन फाइंड द रूफ फॉर जंपिंग द रेड लाइट फाइंड अगेन अगेन कौन सा टेंस है वर्ब सेकेंड कौन सा टेंस है पास सिंपल पास सिंपल है पैसिव बनेगा तो क्या होगा वर्ण वर्ण प्लस वर्ण यहां आया हुआ ये नहीं हो सकता ठीक है यहाँ आया हुआ है इज ये भी नहीं हो सकता अब दो ऑप्शन है जिसमें वोज फाइंड है अब इनमें बाकी चीजें चेक कर लो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसमैन सब्जेक्ट था तो इसको क्या बनना चाहिए था ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था जबकि यहां पर यह सब्जेक्ट ही बना हुआ है ये नहीं हो सकता राइट right आंसर क्या होगा सी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तरु को फाइन लगाया गया है तो क्या बना तरु वॉज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन ये यहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन सब्जेक्ट क्या बन गया यहां पर ऑब्जेक्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक ज इंट्रोड्यूस कौन सा टेंस है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस वर्क थर्ड हैज प्लस वर्क थर्ड कौन सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है एक्टिव स्ट्रक्चर ऐसी क्या बनेगी हैज याव प्लस बीन प्लस वर्क थर्ड Clear? Has have, किसके आते आते हैं? वो subject के आते हैं। वो के है, subject plural है तो have. अब यहां पर देखो हैड आ गया ये नहीं हो सकता यहाँ पर वोज आ गया ये नहीं हो सकता यहाँ हैड आ गया ये भी नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें जो टेंस चाहिए जो वर्ब फॉर्म चाहिए वो फॉर्म है और वो कौन सी है डी अटिंग इन पब्लिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अब देखो सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन है या नहीं है है ना और इस तरह से जब आप करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और एग्जाम में आपका टाइम भी बच जाता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल वेन द डोर बेल रेंग डस्टिंग कौन सा है पास कॉन्टिन्यूस पास कॉन्टिन्यूस की पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है वॉज वर ड plus plus क्या होती है वोज वर्ग प्लस वर्क थर्ड अब यहां देखो यहां पर क्या है दस, was आ गया, ये तो नहीं हो सकता यहां पर ईजा आ गया ये भी नहीं हो सकता यहां पर वोज डस्टिंग को वोज डस्टिंग ये भी नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारी वर्ब फॉर्म है दैट इज ऑप्शन डी द डोर बेल रैंक वेन द होल वॉज बींग डस्टेड वॉज बींग प्लस थर्ड क्लियर मजा आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन इज हेल्पिंग

यहाँ पर विल है ये नहीं हो सकता यहाँ पर हैव है ये भी नहीं हो सकता ओनली वन ऑप्शन इज देअर ऑप्शन बी जहाँ पर हमारी वर्क फॉर्म छुपी है आर बी हैल्प यही आंसर है आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है जब आपको वर्क फॉर्म दो ऑप्शन में सेम मिल जाए तब हमें और देखने की जरूरत होती है लेकिन जो वर्क फॉर्म ही एक ऑप्शन में है तब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है वही आपका आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कु लाइक्स लाइक्स कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है वर्ब फर्स्ट एस या एस अनंत क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आया है लाइक्स अब प्रेजेंट सिंपल की पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है पैसिव स्ट्रक्चर होती है इज एम आर इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड क्या होती है इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड अब यहां देखो यहां हैड आया है ये भी आंसर नहीं हो सकता यहां पर तो वर्ब फॉर्म ही लाइक ले ली ये भी नहीं हो सकता यहां पर आर बीइंग कर दिया कॉन्टिन में चला गया यह भी नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है कौन सा इज इज प्लस वर्ब थर्ड और यही आपका आंसर है क्लियर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ठीक है स्पेशल बसेस विल फेरी स्टूडेंट्स टू देयर कॉलेजेस

ठीक है विल शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फाइंड कर लो फटाफट ये आर है ये नहीं हो सकता ये आर बींग फेरिड है ये नहीं हो सकता यहाँ हैड आया है ये भी नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है ओनली वन ऑप्शन इज देअर विल बी फेरिड विल प्लस वर्ब प्लस वर्ब थर्ड राइट आंसर इज डी अगर आप वर्ब फॉर्म देखो मैं बच्चों को क्लासेस में टेंस में ही एक्टिव पैसिव पढ़ा देती हूँ तो उनको एक्टिव पैसिव अलग से नहीं रटने पड़ते हैं अगर आप वर्ब फॉर्म को समझ जाएंगे कि क्या एक्टिव वर्ब है और क्या पैसिव है तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे जैसे मैं कर रही हूं जैसे मेरे स्टूडेंट्स करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ You can see वाच वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस यू कैन सी कौन सा है मॉडल सिंपल मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट ये स्ट्रक्चर है एक्टिव पैसिव में क्या बनेगी मॉडल प्लस बी प्लस व थर्ड राइट मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फटाफट देख लो यहां हैड है ये नहीं हो सकता यहां विल है ये नहीं हो सकता यहां आर है ये नहीं हो सकता मॉडल कहा है ये मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड राइट आंसर इज डी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ अकाइट नाइलॉन मांझा स्ट्रिंग हैज कट द्रोट ऑफ अ स्कूटरिस्ट हैज कट Has plus verb third. क्योंकि कट की तीनों फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट कट होती है कट 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 राइट अब यहाँ देखो हैज प्लस वर्ब थर्ड कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट राइट अब इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा हैज क्योंकि कट की तीनों फॉर्म कट होती है ठीक है अब यहाँ देखो यहां पर हैज कट लिया है इसने पैसिव में चेंज नहीं किया ठीक है यहाँ हैड बीन कट आया है, इसमें हैड आ गया ये भी आंसर नहीं होगा अब बी और सी में देखो बी और सी में हैज बीन, है, बीन कट है बिल्कुल ठीक है अब यहाँ देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या था अब काइट नाइलोन मांझा ये सब्जेक्ट था तो ये क्या बनना चाहिए था ऑब्जेक्ट जबकि यहां ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो राइट आंसर क्या होगा सी द थ्रोट ऑफ अ स्कूटर इज हैज बिन कट बाय अ काइट्स मांझा क्लियर समझ में आया नेक्स्ट बाई अंबर बारह द पुअर वॉशर वुमेन वॉशिज डर्टी क्लोथ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वॉशिज वॉशिज क्या है स्टूडेंट कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल राइट प्रेजेंट सिंपल है तो किस में चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्क थर्ड क्लास खत्म होने के बाद में आप मुझे जरूर बताएंगे कि 36 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए और जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए ये आपको जरूर बताना है ठीक है तो इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फटाफट देख लो आर बींग आ गया ये तो नहीं हो सकता यहाँ वर आ गया ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर हैव आ गया ये भी नहीं हो सकता टेंस चेंज नहीं होगा ध्यान रखेंगे वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा राइट आंसर बनेगा डी ठीक है वॉइस के कॉन्सेप्ट को आप नरेशन के कॉन्सेप्ट से मिक्स नहीं करेंगे वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है वर्ब की फॉर्म चेंज होती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन इम्पेरेटिव का क्वेश्चन है इम्पेरेटिव में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आदेशात्मक ऑर्डर कमांड का भाव होता है जैसे सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स राइट right. इसमें क्या करते हैं लेट से बनाते हैं लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड माना जाता है यू और फिर आता है बी फिर ये वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट इसको चेंज कर देते हैं वर्ब थर्ड में यानी वर्ब फर्स्ट को किस में चेंज करते हैं बी प्लस वर्ब थर्ड जो आपको टेबल दिखाई थी उसमें दिया हुआ है आपको जो मैंने पीडीएफ बताई है उसमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से दिए हुए हैं वहां आपको पढ़ना है ठीक है तो यहां आपको सबसे पहले जब भी इंपेरेटिव के सेंटेंस दिखे तो आपको ये देखना है कि ये जो वर्ब फर्स्ट है ये बी प्लस वर्ब थर्ड में कहा है जैसे यहाँ तो विल आ गया विल नहीं आ सकता और ये वर्ब फर्स्ट है ये गलत है ठीक है यहाँ शुड ले लिया ये भी नहीं आएगा यहाँ विल बी सेलिब्रेटेड ये भी नहीं हो सकता बी प्लस वर्ब थर्ड कहाँ गिवन है सी में लेट द न्यू ईयर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्क थर्ड विद अमेजिंग ऑफर राइट आंसर इज सी क्लियर नेक्स्ट आई स्पोटेड दिस क्लोक इन अंक शॉप जंक शॉप जो पुराने सामान जो कबाली की दुकान होती है उसको बोलते हैं ठीक है स्पोटेड स्पोटेड क्या है स्टूडेंट पास सिंपल

मैंने देखा एक क्लोक को जंक शॉप पे ठीक है अब यहां पर बोल रहा है अ शॉप कौन हुआ अंक शॉप स्पोटेड हुई या फिर बिल्कुल को किया जाएगा तो डी आंसर नहीं होगा राइट right आंसर क्या होगा ए दिस क्लोक वॉज स्पोर्टेड बाय मी इन अ जंक शॉप क्लियर इन अंक शॉप तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है दिस क्लोक है जिसको हमें क्या बनाना है सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखेंगे वॉइस में कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करेंगे मीनिंग वही रहेगा ठीक सिर्फ कहने का तरीका चेंज होगा मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा सेंटेंस अगर इंटारोगेटिव है इंटारोगेटिव रहेगा अफर्मेटिव है अफॉर्मेटिव रहेगा इंपेरेटिव है इम्पेरेटिव रहेगा नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा लेकिन मीनिंग जो है वो सेम रहेगा सिर्फ कहने का तरीका बदलेगा ठीक है हाँ ये मेरी बुक्स है क्लोज सेस वर्ड पावर जम्बल प्रीवियस ईयर पेपर्स ये बुक्स आपको ज़रूर लेनी चाहिए आप एक बार पढ़ के देखेंगे आप खुद समझ पाएंगे कि किस लेवल पे यहाँ मैंने कंटेंट दिया हुआ है ठीक है अमेजन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीनथ टीचर शुड कवर ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस बिल्कुल सही बात है टीचर को सारे टॉपिक्स कवर करने चाहिए ठीक है शुड कवर शुड कवर क्या है स्टूडेंट मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट तो किस में चेंज होगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फाइंड कर लो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड यहां पर ये शुड कवर है ये नहीं हो सकता बाकी तीनों में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड है वाह wow. अब इसमें और देखना पड़ेगा हमें यहाँ सब्जेक्ट था टीचर तो इसको क्या बनाना चाहिए था ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही बना हुआ है ये नहीं हो सकता यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट बना हुआ है ये नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में सी जहाँ पर सब्जेक्ट को क्या बनाया गया है ऑब्जेक्ट सो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑल द टॉपिक्स इन दिलेबस शुड बी कवर्ड बाई टीचर्स टीचर के द्वारा सारे टॉपिक्स कवर किए जाने चाहिए अदरवाइज टीचर्स क्या होते हैं कि जो टॉपिक बच्चों को पता नहीं होते हैं वो कवर ही नहीं करवाते हैं जो चीजें बच्चे ने सुन रखी है नाउन प्रोनाउन टेंस वो करवा देते हैं लेकिन कोलोकेशन पैनल कंस्ट्रक्शन ये टॉपिक्स छोड़ देते हैं जबकि एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी मैंने ये चीज बताई है स्पॉटिंग एरर में भी ये चीज मैंने बताई है तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो तो सारे टॉपिक्स को कवर करो ठीक है नेक्स्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है स्टूडेंट अभी अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट तो इसमें क्या बनेगा पैसिव हैज प्लस बीन प्लस वर्क थर्ड फटाफट बता दो मुझे यहाँ देखो यहाँ हैड आया है ये आंसर नहीं हो सकता यहाँ विल भी आया है ये आंसर नहीं हो सकता यहाँ इज आया है ये भी आंसर नहीं हो सकता राइट right आंसर क्या होगा ए एक ही ऑप्शन है जिसमें स्ट्रक्चर गिवन है हैज बीन लॉन्च एक ही ऑप्शन है हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डिजाइनर क्लोथ वर सोल्ड अब देखो यहां ऑलरेडी पैसिव स्ट्रक्चर गिवन है वर्ड सोल्ड कौन से टेंस में बनता है पास सिंपल पास सिंपल की पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है वर्ज वर्ज वर प्लस वर्ब थर्ड होती है ना तो इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म अब वर्ब सेकंड हमें फाइंड करनी है यहां वर्ड सोल्ड आया है ये नहीं हो सकता यहां आया है ये भी नहीं हो सकता यहां हैड सोल्ड आया है, पास परफेक्ट ये भी नहीं हो सकता राइट right आंसर होगा सी जिसमें क्या आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है वही आपका आंसर है देखा आपने कितना आसान है कि वॉइस को सॉल्व करना वॉइस के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना ये क्लास खत्म होने पे आपको वॉइस में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा ये मेरा आपसे वादा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन एट द लास्ट मोमेंट अ फायर मैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस अब देखो ये सब्जेक्ट है फायरमैन पुल्ड कौन सी फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म

ऑब्जेक्ट इसमें चेंज होना चाहिए सब्जेक्ट में जबकि यहां पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रखा गया है ये आंसर नहीं होगा एक ही ऑप्शन बचा क्या डी एट द लास्ट मोमेंट मोनोहर वाज पुल्ड आउट ऑफ ऑफ द बर्निंग बस बाय अ फायरमैन सब्जेक्ट था फायरमैन इसको क्या बना दिया हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 साई कुमारी गव अखिलला अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे गव पास सिंपल कौन सी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म किसमें चेंज होगा वर्ब थर्ड गिव गेव गिवन गिवन कौन सी है थर्ड है पहले क्या चाहिए पास की ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आया है प्रेजेंट ये आंसर नहीं होगा यहाँ पर पास्ट ये सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में रखा है पैसिव में चेंज ही नहीं किया ये भी नहीं होगा यहाँ वर्स प्लस वर्ब सेकेंड ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है पूरी इंग्लिश में ऐसा कभी नहीं होगा वर्स प्लस वर्ब सेकेंड नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है जिसमें आपकी चॉइस की वर्ब है जो आपको चेंज करनी है वर्स प्लस वर्ब थर्ड सो राइट आंसर हो जाएगा बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बीस हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस अब देखो ये चीज ध्यान रखेंगे वॉइस में इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो वो इंटारोगेटिव में ही रहेगा आप उसको नॉर्मल सेंटेंस में चेंज ना करें ठीक है स्टूडेंट तो प्रेजेंट में चेंज होगा ये एक्टिव हैव प्लस वर्ब थर्ड ठीक है अब यहां दे दिया ये तो आंसर नहीं होगा इसको तो देखते ही हटा दो ठीक है पेपर्स है प्लूरल है और हैज आया है ये भी आंसर नहीं होगा सी में देखो सबमिट submit को सब सबमिटेड वर्ब थर्ड थी तो वर्ब थर्ड चाहिए जबकि इसने फर्स्ट बना दी ये भी आंसर नहीं होगा एक ही ऑप्शन है कौन सा ए हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इक्कीस 2022. कौन सा स्टूडेंट फ्यूचर सिंपल की पैसिव स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल पैसिव ठीक है अब इसको हमें एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा तो ये क्या बनेगी विल प्लस वर्ब फर्स्ट है ना will plus verb first will shall plus verb first अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि चारों में ही will will install will install will install, will install. अब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि वर्ब फॉर्म चारों में ही सेम दी हुई है अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से देखते हैं कितने हटा सकते हैं यहाँ बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट और आगे ऑप्शन जो आएगा आंसर जो आएगा इसमें क्या बनना चाहिए सब्जेक्ट बनना चाहिए तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना हुआ ये नहीं हो सकता यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना हुआ ये भी नहीं हो सकता अब दो ऑप्शन बचे जिनमें गवर्नमेंट सब्जेक्ट है ठीक है अब ये बोल रहा है द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल वाई फाई हॉटस्पॉट इन रिमोट एरियाज बाय 2022 और दूसरा बोला द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल रिमोट एरियाज रिमोट एरियाज को इंस्टॉल करना है वाई फाई हॉटस्पॉट को ऑब्वियसली वाई फाई हॉटस्पॉट और यहां बोल रहा है इंस्टॉल रिमोट एरियाज तो ये गलत हो गया कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या बचा हमारे पास ए समझ में आया गवर्नमेंट को बनाया सब्जेक्ट वाई फाई हॉटस्पॉट को बनाया ऑब्जेक्ट जबकि यहां ऑब्जेक्ट क्या बना था रिमोट एरियाज Clear? यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन जो गवर्नमेंट था उसको सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट था नहीं बी और डी को हमने सीधा ही हटा दिया समझ में आ रहा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाईस ही ड्रॉव द कार वेरी केयरफुली ऑन टेरेन ट्रोव अगेन हो गया वर्ब सेकंड फॉर्म पास सिंपल क्या चाहिए वाज वर प्लस वर्ब थर्ड वॉज वर्क प्लस वर्क थर्ड यहाँ आया हुआ हैज ये नहीं होगा यहां आया है इज ये भी नहीं होगा यहाँ भी आया है इज ये भी नहीं होगा एक ही ऑप्शन है डी द कार वॉज ड्रीवन वॉज प्लस वर्ब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तेईस राधा प्लेज द सितार वेरी वेल प्लेज कौन सा टेंस है स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल कौन सा है प्रेजेंट सिंपल तो इसका पैसिव क्या बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड तो देखो ये इज प्लेइंग है ये नहीं हो सकता has been playing, नहीं हो हो सकता is being playing, ये तो कौन सा हो Past, sorry, present continuous passive, present continuous. कौन सा गया जबकि हमारा सी है present simple. तो present simple का पैसिव क्या होता है इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड राइट आंसर क्या हुआ बी सितार इज प्लेड नेक्स्ट चौबीस शी हैज पुट फ्रेश फ्लावर्स इन द फ्लावर वास हैज पुट पुट की तीनों फॉर्म भी क्या होती है पुट होती है हैज पुट कौन सा टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव क्या बनेगा हैज वर्ब थर्ड अब यहाँ देखो यहाँ आर आ गया ये नहीं होगा आंसर यहाँ पर भी आर आ गया ये भी आंसर नहीं होगा ठीक है यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल कैसा है प्लूरल तो हैज नहीं आ सकता क्या आएगा हैव सो राइट आंसर इज बी फ्रेश फ्लावर्स है आदित्य पास द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट इजीली पास पास कौन सा टेंस हो गया स्टूडेंट वर्ब सेकेंड है तो किसमें चेंज होगा वर्स वर्ब प्लस वर्ब थर्ड यहाँ आया हुआ है अब तो आपको भी आ गया होगा बहुत अच्छे से कैसे एलिमिनेट करना है कुड नहीं हो सकता हैड नहीं, नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्ब की फॉर्म गिवन है ओनली एंड ओनली वन ऑप्शन इज देयर क्या है ए वाज पास्ट नेक्स्ट छब्बीस हाउ मच विल दे पे यू हाउ मच विल दे पे यू विल प्लस वर्ब फर्स्ट will प्लस वर्ब फर्स्ट कौन सा टेंस है स्टूडेंट फ्यूचर सिंपल एक्टिव पैसिव क्या बनेगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड है ना विल शैल बी प्लस वर्ब थर्ड अब देखो यहां तो फॉर्म ही चेंज कर दी पे को डन कर दिया ये नहीं होगा यहां विल बी और जी कर दिया ये भी नहीं होगा यहां पर विल बी प्लस वर्ब थर्ड हमें चाहिए था बट इसने हैव ले लिया यहां ये भी नहीं होगा एक ही ऑप्शन बचा जिसमें हमारी वर्ब फॉर्म है ड एक ही में है ए में विल बी प्लस वर्ब थर्ड ये आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वी माओ द लोन लोन है ये वंस एवरी मंथ ठीक है सेंटेंस किसका है प्रेजेंट सिंपल हम मंथ में एक बार करते हैं को जब हम कोई एक्शन मंथ में एक बार महीना uh, साल में एक बार या रोजाना जैसे हर महीने करते हैं हर साल करते हैं हर वीक करते हैं डेली करते हैं तो ऐसे सेंटेंस किस में जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में वी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है फर्स्ट फॉर्म ठीक है अब हमें क्या करना है सिंपल प्रेजेंट है तो हमें ढूंढना है इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड ढूंढ लो फटाफट मिल गया होगा मुझे भी मिल गया विल बी ये नहीं होगा हैज बीन नहीं हो सकता वोज चला गया पास में ये परफेक्ट में और ये फ्यूचर में और जबकि मैम ने ये बोला था कि टेंस चेंज नहीं होगा क्या बनेगा बी द लोन इज वंस इन वंस एवरी मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस द क्लाउड्स हिट द सन देखो हाइड की जो फॉर्म होती है हाइड हिट और हिडन

वॉज प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शशि कौन सा टेंस है स्टूडेंट पास्ट कौन सा टेंस है पास कॉन्टीन्यूअस पास कॉन्टीन्यूस की एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वर्ब प्लस वर्ब की आई फॉर्म है ना तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनती है पैसिव स्ट्रक्चर बनती है स्टूडेंट वॉज वर प्लस बींग प्लस वर्ब थर्ड ये बनती है पैसिव अब देख लो वॉज वर प्लस बींग एक ही ऑप्शन में है बी में यही आंसर है यहाँ इज आ गया ये नहीं हो सकता यहाँ वॉज एंजॉइंग ही दे दिया हुआ है इसको पैसिव में चेंज ही नहीं किया यहाँ परफेक्ट दे दिया ये भी नहीं होगा एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीस रवि ड्रोव द कार टूवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन ड्रोव ड्रोव कौन सी हुई स्टूडेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस है सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पास सिंपल पे पूछे गए थे सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है तो ड्रोव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसको चेंज करना है वर्स वर् प्लस वर्ब थर्ड यहाँ आया हैड ये नहीं होगा यहाँ वोज ड्राइविंग कर दिया जब ये तो पास कॉन्टिन्यूस है ये नहीं हो सकता यहाँ हैड भी ड्रीवन कर दिया ये पास परफेक्ट है ये भी नहीं होगा एक ही एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्ब फॉर्म सही है वो कौन सा है वो है ऑप्शन डी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट अगेन एट द एड्रेस गिवन बाय आशा डिलीवर्ड अगेन वर्ब सेकंड है किस में चेंज होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड वॉज डिलीवर्ड यहाँ आ गया वॉज बींग ये तो पास कॉन्टीन्यूस का पैसिव बन गया यहाँ आया हुआ हैड ये भी ये पास परफेक्ट हो गया यहाँ डिलीवर्ड को डिलीवर्ड ही रखा है इसको पैसिव में चेंज ही नहीं किया है तो ये नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है जिसमें आपकी वर्ब फॉर्म है वॉज प्लस वर्ब थर्ड और ये आपका आंसर ठीक है बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मैं आपको आपके फेस नहीं देख सकती लेकिन दस साल से मैं बच्चों को फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि इस तरह से जब आंसर करते थे क्लास में बच्चे तो वो बहुत खुश होते थे उनके अंदर एक मोटिवेशन एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ हम कर लेंगे ये बहुत आसान है ठीक है तो अब मुझे पता है कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और जो आप फील कर पा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं जो आपको डिफिकल्टी जो भी बात है आप कॉमेंट जरूर करें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फिफ्टीन चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड वर रेस्क्यूड स्टूडेंट स्ट्रक्चर है पास सिंपल की पैसिव स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है पास सिंपल पैसिव है ना तो इसको हमें चेंज करना है पास सिंपल एक्टिव एक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कौन सी फॉर्म वर्ब सेकंड अब देखो वर्ब सेकंड ढूंढ लो फटाफट यहाँ हैव रेस्क्यूड है परफेक्ट में चला गया यहाँ वर रेस्क्यूड है तो वर रेस्क्यूड तो गिवन है पैसिव नहीं चाहिए हमें एक्टिव चाहिए जब एक्टिव क्वेश्चन होगा तो पैसिव का आंसर ढूंढना है जब पैसिव है तो एक्टिव ठीक है डायरेक्शन में दिया होता है अगर सेंटेंस एक्टिव है तो इसको पैसिव में चेंज करो पैसिव है तो एक्टिव में ठीक है यहाँ देखो जो सब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था पुलिस था इसको क्या बनाना था सब्जेक्ट जबकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं हुआ है पुलिस को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया पुलिस को सब्जेक्ट एक ही ऑप्शन में बनाया गया डी ऑप्शन में और यही आपका आंसर है द पुलिस रेस्क्यूड 15 चिल्ड्रन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 द काउंसलर गेव वेरी गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स गेव क्या है स्टूडेंट वर्ब सेकेंड ठीक है किसमें चेंज होगा वॉज या वर्ब प्लस वर्ब थर्ड वर्ब थर्ड क्या होती है गिव गेव और गिवन राइट अब यहां देखो यहां इज आ गया ये कौन सी फॉर्म है प्रेजेंट ये आंसर नहीं होगा यहाँ आया है हैज बीन ये परफेक्ट है ये भी आंसर नहीं होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास परफेक्ट टेंस तो चेंज करना ही नहीं है हमें टेंस तो चेंज करना ही नहीं है एक ही ऑप्शन है बी गेव किस में चेंज हो जाएगा वॉज गिवन और वॉज गिवन एक ही ऑप्शन में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर मैरी कॉम हैज वोन न्यूमरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज वोन हैज वोन कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट राइट प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी स्ट्रक्चर है एक्टिव तो किसमें चेंज करना है पैसिव पैसिव में देखो हैज़ बीन हैज बीन प्लस वर्ड आना चाहिए यहाँ आया है वर ये नहीं हो सकता यहाँ आया हेड है है ये परफेक्ट में चला गया पास परफेक्ट ये नहीं हो सकता आर बीइंग वोन ये चला गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये भी नहीं होगा राइट आंसर होगा डी हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड हैव किसके अकॉर्डिंग आया है? क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है वो क्या है चैंपियनशिप्स है तो ये अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो यहां आने वाला वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थ हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न एट स्कूल इंटरोगेटिव है और किसका है इंटरोगेटिव डू प्लस वर्ब फर्स्ट क्यों कौन से टेंस में आता है प्रेजेंट सिंपल ठीक है प्रेजेंट सिंपल इंटेरोगेटिव है तो प्रेजेंट सिंपल में पैसिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड वही चीज़ करनी है कुछ भी डिफरेंट नहीं है ठीक है घबराना नहीं है ऐसे सेंटेंसेस से ये तो विल है फ्यूचर में चला गया ये नहीं हो सकता ये कॉन्टीन्यूस में चला गया आर बींग ये नहीं हो सकता ये हैव यू बींग ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है ये भी नहीं हो सकता एक ही ऑप्शन है जिसमें ड कौन सा प्रेजेंट सिंपल है वो है ऑप्शन डी लैंग्वेजेस आर लर्न तो जो हमें वर्ब फॉर्म चाहिए प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वर्ब फॉर्म वो एक ही ऑप्शन में है और वही आपका आंसर है ठीक है लास्ट क्वेश्चन क्योंकि 36 सेट थे 36 क्वेश्चन हमने कर लिए लास्ट क्वेश्चन है वीडियो को देखने के बाद में लाइक अगर नहीं किया है तो जरूर कर देना दोस्तों में शेयर कर देना लास्ट क्वेश्चन इन द इवनिंग वी वॉटर द प्लांट्स वाटर क्या है स्टूडेंट वर्ब फर्स्ट ठीक है हम इवनिंग uh, में पौधों को पानी देते हैं तो वर्ब फर्स्ट है इन इवनिंग में पानी देते हैं कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल ठीक है वर् फर्स्ट किस में आती है सिंपल प्रेजेंट में आती है वाटर क्यों आया है? क्योंकि वी क्या है प्लूरल है अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड ठीक है अब देख लो सिंपली यहां पर विल आया है ये आंसर नहीं होगा यहां वर आया है ये आंसर नहीं होगा यहाँ हैव बीन आया है ये भी आंसर नहीं होगा आंसर होगा डी आर वॉटर क्लियर है स्टूडेंट्स थैंक यू